गुरुत्वं शिवत्वं च शक्तित्वमेव त्वमेवासि माता पिता च त्वमेव त्वमेवासि बन्धुर्त्वमेवासि विद्या गतिर्मे मतिर्देवि सर्वं त्वमेव। परम पूज्य जगद्गुरु राम भद्राचार्य जी के चरणों में प्रणाम करते हुए मंच में आसीन सभी संतों को प्रणाम करते हुए मैं दो ही बात कहना चाहूँगा। मैंने इतना अमृत पान आपने कराया, जोश जगाया, होश के साथ साथ मुझे लगता है यदि राम भद्राचार्य जी 500 साल पहले होते हमारे देश में तो शायद भारत कभी गुलाम हो ही नहीं सकता। हमारे राजा महाराजा इतने स्वार्थी बन गए और अपना ही सोचते रहे, विदेश से लोग आते रहे, इनको दो चार प्रशंसा करते रहेंगे कि फिर उन्होंने सब कुछ उन पर लुटा के देश को लुटा दिया, देश को इतना एक गरीब अवस्था में परिस्थिति में लेके आ गए। एक युग था जहां भारत स्वर्णिम युग में था, दुनिया के एक तिहाई संपत्ति भारत में था। भारत को खोजते खोजते कोलंबस अमेरिका पहुंच गया, वहां जाके उसने सोचा यही भारत है, फिर उसको पता चला ये भारत नहीं है, भारत तो बहुत संपन्न देश है, फिर उसको फिर लौट के आना पड़ा। ये इतिहास हमको बताता है भारत की कीर्ति उन दिनों में ना कोई व्हाट्सएप थे, ना कोई सोशल मीडिया, कोई टेलीविजन, कुछ नहीं था, मगर भारत की कीर्ति विश्व भर में था। आज भी जब हम दुनिया के कोने कोने में जाते हैं, हमारे वैदिक परंपरा का अवशेष सब जगह मिलता है, गणपति की मूर्ति मिलती है, यज्ञ कुंड मिलता है, शिव जी की मूर्ति मिलता है, श्री राम जी के नाम पे नगरें हैं सब जगह। ये दिखाता है, दर्शाता है हमारे जो वैदिक उद्गार था, कृण्वन्तो विश्वमार्यम, उस पर हमारे पूर्वज चले थे। आज हम लोग जिसको कैलिफोर्निया कहते हैं उसको कपिलारण्य कहते, कपिल मुनि वहां पर पहुंचे, इसलिए आज उनका नाम कैलिफोर्निया बन गया। जब हम विदेश में प्रवास करते हैं अक्सर हम उनसे पूछते हैं, आपको पता है कि 70% अंग्रेजी भाषा में संस्कृत भरा हुआ है? किसी को पता नहीं। अंकों का जो देन है दुनिया को वो भारत से मिला है वो भी नहीं पता। क्यों? हम अपने ही विरासत को खो बैठे, छोड़ भूल गए, अपना मूल को हम भूल के बैठ गए। अभी हम अंग्रेजी का नाम बोलते हैं, अक्टूबर माने क्या? आकाश। दश अंबर, सप्तंबर, अष्टंबर, अक्टूबर हो गया। फाल्गुन फ़रवरी बन गया। नया साल कब शुरू होता है अपना? फाल्गुन के बाद ही है ना, चैत्र। मार्च माने आगे बढ़ो। नया साल हमारा जैसे होता है ना, चैत्र में शुरू होता है। आज भी अफगानिस्तान है, इराक है, ईरान है, ये सब जगह नया साल कब करते हैं वो मनाते हैं? फाल्गुन के बाद ही करते हैं। तो हमने अपना देश की जो संपत्ति को भूल बैठे। अब महाराज जी ने इतना सुंदर आपने बताया, शौर्य चाहिए, कायरता नहीं, शांति माने कायरता नहीं। मैं एक बार बार ये बात को आप सबको याद करना चाहिए, कायर व्यक्ति कभी शांत हो ही नहीं सकता, भयभीत रहता है। जब भय होता है तो शांति कहां हो? शांत वही हो सकता है जिनमें आत्मबल है। तीन तरह का बल की आवश्यकता है, बाहुबल
बुद्धिबल और आत्मबल। सिर्फ बाहुबल ही रहे, बुद्धिबल ना हो, चलेगा नहीं काम, विनाश होगा, विध्वंस होगा। यही आतंकवादी यही करते हैं, बंदूक लेके आते हैं, सबको मार देते। आज देखिए अमेरिका में जितने लोग जेल में बंद है, अपराधी है, भारत से 17 गुना अधिक। भारत के जेलों में जितने अपराधी है, इससे 17 गुना अधिक अपराधी अमेरिका के जेल में बंद है। हम समझते हैं अमेरिका बहुत प्रगतिशील देश है, मगर उस देश में मास शूटिंग्स पता है कितना हुआ? इस साल में 700 से अधिक लोग, वो एक सामूहिक हत्या हुई है लोगों के। आतंक इतना बढ़ा हुआ है जगत में, क्यों? आध्यात्म शक्ति के अभाव में होता है। शांति कायरता नहीं है, और शौर्य सिर्फ उद्दंडता नहीं है। शांति हो तो शौर्य भी जगता है। आत्मबल के लिए शांति आवश्यक है, इसलिए भगवान ने कहा गीता में, युद्धस्व विगत ज्वरा। एक महाराज जी के सामने सब बोलना, तो सूर्य के सामने दीपक दिखाना होगा। आपने ऐसा आप में पूरे वैदिक वाङ्मय को आपने, क्या कहें, उस अमृत को आप पान करा रहे हैं। कितने सारे ग्रंथ रचे हैं आप, तो वॉकिंग एनसाइक्लोपीडिया है अपने लाइब्रेरी। कोई किसी भी शब्द का वहाँ या ग्रंथ का कुछ भी जानना हो ग्रंथ के बारे में, महाराज जी के पास आप एक प्रश्न रखो, बस ज्ञान की वर्षा होने लगती। अमृत पान कराते हैं, आप कितने सौभाग्यशाली हैं। कहते ना, स्वयं ही तीर्थानि पुनन्ति संता। अब संजय जी ने महाराज जी को यहाँ बुलाकर इतना भव्य आयोजन करके इस तीर्थ क्षेत्र को, हरिहर क्षेत्र को एक तीर्थ स्थान बना दे। तीर्थ स्थान तो है ही, मैं और उसमें और शोभा आ गई यहाँ पर। जैसे आपने कहा है परशुराम जी की मूर्ति यहाँ होनी बहुत आवश्यक है। परशुराम जी आत्मबल, बुद्धिबल और शौर्य तीनों का, बाहुबल तीनों का आप संगम है। ये संगम क्षेत्र पर उनका एक प्रतिमा बन रहा है, तो ये बहुत एक हिस्टोरिक मोमेंट होगा, एक चरित्रार्थ घटना है। तो इस घटना में आप सब लोग भाग लिए हैं, ऐसे ही जोश को लेके चलिए। देखिए, चार चीज़ों की आवश्यकता, जीवन जीने की कला यही है। अच्छा, आप पूछिए मैं क्यों जीवन जीने की कला नाम रखा पहले? पहले तो 42 साल पहले जब हमने शुरू किया, बाहर की देश के जो जनता छोड़ी, हमारे देश के युवा भी योग ध्यान एक करो तो भागते थे, दूर भागते थे। फिर हमने उनको युक्ति से लगाया जीवन जीने की कला, उनमें कुछ कौतूहल जागा, ये क्या है, देखने आए फिर फंस गए। फिर उन देखने आए, फिर इस ज्ञान के रस में, आनंद में, भक्ति में फंस गए। शक्ति, मुक्ति, भक्ति, युक्ति, ये चार चीज जीवन में आवश्यक है। व्यक्तिगत जीवन में हमें सफल होना हो, मुक्त अनुभव करो, अपने आप को गुलाम अनुभव करोगे तो तुम कभी भक्ति का अनुभव भी नहीं कर पाओगे। भक्ति का अनुभव जब मुक्ति से होता, और ऐसे संतों के चरणों में, गुरुओं के चरणों में बैठने से वो भक्ति और मुक्ति का लाभ होता है। फिर शक्ति और युक्ति, समाज में सफल होना हो वो लगाना पड़ेगा। जैसे संजय जी अभी बहुत सारा सफल काम कर रहे हैं समाज में, और आप, आपके सहयोगी शक्ति और युक्ति को साथ में लेके चलते हैं, आपने भक्ति और युक्ति को साथ में जोड़ा, ये चारों चीज होने पे जीवन सफलता होगा, समाज में भी, व्यक्तिगत जीवन में भी सफलता मिलेगी। आपने आज आपने कहा कि विश्वास को गुरु बनाओ, मैं कहूँगा ऐसे पूज्य गुरु पर विश्वास रखो
तो काम अपने आप होने लगेगा। आत्मबल जागे, शौर्य जगता है। शौर्य जगे शांति के साथ, फिर बुद्धि शक्ति जगती है, और बुद्धि शक्ति जगे तो दुनिया पूरी अपनी है। दुनिया में कोई पराया नहीं है, ये मंत्र है प्रेम का। वसुधैव कुटुंबकम की बात कमजोर व्यक्ति कभी कर ही नहीं सकता। जो मजबूत है, जिनमें इतना शौर्य है, वही इस बात को आगे बढ़ा सकते हैं। मैं इतना ही कह करके पूज्य स्वामी जी की चरणों वंदना करके आपका आज ये प्रसंग सुनने का सौभाग्य मिला, बहुत बहुत प्रसन्न हूँ। ओम शांति शांति। अब मंत्रात्मक ही हम सब अपनी समर्चना ग्रंथ नारायण के प्रति करेंगे। ओम चंद्रमा मनसो जात शिक्षो हो सूर्यो अजायत श्रोत्राद वायुश्च प्राणश्च मुखाद अग्नि रजायत। पूज्य स्वामी जी मंच पर उपस्थित संतों का सम्मान कर रहे हैं। मैं संजय भैया को आमंत्रित करूंगा, परम पूज्य श्री श्री रविशंकर जी महाराज का इस श्री हरिहर तीर्थ में स्वागत करें और उनके प्रति अपने उद्गार, अपनी कृतज्ञता ज्ञापन करें। अभी इसके बाद हमारे भैया श्री आशुतोष राणा जी के साथ पूज्य महाराज श्री का धर्म संवाद का कार्यक्रम है श्री श्री जी के साथ, इसलिए आप सभी लोग बैठे और पूज्य महाराज श्री के माध्यम से अनेक सूत्रों को हम प्राप्त करेंगे जीवन में सफलता के लिए। मैं संजय भैया को आमंत्रित करता हूँ। एक धर्म संवाद का जो आयोजन है।